आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक नए टाइप के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे इज बाइनरी इस, इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बाद हम ये सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए अब हम इसका पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे अभी तक आप चार टाइप के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन्हें हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं आप यह देख सकते हो कि इन चारों ही ऑपरेशंस के परफॉर्म करने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत होती है इसलिए ये चारों ऑपरेशंस ही बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं अब इसे बाइनरी क्यों कहते हैं बेसिकली बाइनरी का मतलब होता है दो एंड इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें दो नंबर्स की जरूरत है इसलिए ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं अब हम बाइनरी ऑपरेशंस की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से कोई एक होगा तो इन जनरल हम इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यह स्टार कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि इट गोज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए आप यह देख सकते हो कि जो यह स्टार है यह है एक फंक्शन है टिपिकली हम फंक्शन को F से डिनोट करते हैं लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में हम फंक्शन को स्टार से डिनोट करते हैं आप देख सकते हो कि जो इनपुट है वो ए क्रॉस ए है यानी कि इस फंक्शन में जो इनपुट जाएगा वो एक पेयर जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर होते हैं एंड जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी लेट दो एलिमेंट्स P एंड Q सेट A में लाइक करते हैं तब इन एलिमेंट्स P एंड Q के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार *P कॉमा Q एंड इसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं P स्टार Q एंड ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ऑपरेशन के ही हैं इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं माना सेट ए के एलिमेंट्स पी एंड क्यू पर एक बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन है कि पी स्टार क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू तो यहां आप देख सकते हो कि इस बाइनरी ऑपरेशन का जो आउटपुट है वह यदि सेट ए का एलिमेंट है तो ये जो फंक्शन स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा अब हमें यहां चार अलग अलग ऑपरेशंस दे रखे हैं और हमें कुछ सेट्स भी दे रखे हैं पहला है सेट ऑफ रियल नंबर्स दूसरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड तीसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स और हमें ये चेक करना है कि इन गिवन सेट्स में कौन सा ऑपरेशन बाइनरी होगा और कौन सा नहीं होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स ए एंड बी एज्यूम करते हैं तो उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इन दोनों एलिमेंट्स ए एंड बी पर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रेक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इसी तरह ए एंड बी पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी एंड बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी तो अब हम सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर के लिए चेक करेंगे कि ये सभी ऑपरेशंस ऑपरेशंस बाइनरी होंगे या नहीं इसके लिए एंड बी दोनों ही रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करने चाहिए तो इसके लिए हमने माना ए की वैल्यू टू है एंड बी की वैल्यू फाइव है एंड हम जानते हैं कि टू एंड फाइव दोनों ही रियल नंबर हैं तो सबसे पहले यदि हम एडिशन के लिए देखें तो टू प्लस फाइव हमें सेवन मिलेगा एंड जो इसका आउटपुट है सेवन वह भी एक रियल नंबर है इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है इसी प्रकार यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो टू माइनस फाइव हमें माइनस थ्री के इक्वल मिलेगा एंड सिंस माइनस थ्री भी एक रियल नंबर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में सब्ट्रैक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं तो जब हम टू एंड फाइव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें टेन मिलेगा एंड टेन भी सेट ऑफ रियल नंबर में ही लाई करेगा इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है अब हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं हम यहां देखते हैं कि टू अपॉन फाइव एक रियल नंबर होगा इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन यदि हम b की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो उस कंडीशन में हमें a अपॉन भी मिलेगा टू अपॉन जीरो एंड हम जानते हैं कि टू अपॉन जीरो डिफाइन नहीं होता एंड यह रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो इस तरह आपने ये सीखा कि हम किसी भी गिवन सेट के लिए ये कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है एंड कौन सा बाइनरी नहीं है तो इसी तरह आपको नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए एंड इंटीजर्स के सेट के लिए इन चारों ऑपरेशंस में से यह चेक करना है कि कौन सा बाइनरी है और कौन सा नहीं है तो अब आप इस वीडियो को फाइव मिनट्स के लिए यही पॉज कीजिए और ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं आई होप आप सभी ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ये चेक कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं तो चलिए अब हम भी इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं तो इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट अज्यूम करेंगे हमने वापस से दो नंबर्स टू एंड फाइव अज्यूम किए हैं एंड ये दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं अब सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि जब इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें सेवन मिलता है एंड सेवन भी एक नेचुरल नंबर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है इसी तरह यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो जब हम 2 5 करेंगे तो हमें -3 मिलेगा एंड -3 नेचुरल नंबर नहीं होता इसलिए हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है अब यदि हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें तो टू एंड फाइव का मल्टीप्लीकेशन टेन मिलेगा एंड ये भी एक नेचुरल नंबर है इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट में मल्टीप्लीकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है अब यदि हम डिवीजन को देखें तो टू अपॉन फाइव एक फ्रैक्शन है एंड इसकी वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है इसी तरह आप इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हो एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे चेक करते हैं तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं पहले पार्ट में एक ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट में एक ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि ऑफ और हमें ये चेक करना है कि दोनों ही पार्ट में से कौन सा ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर से आर में डिफाइन है जहां आर सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है अब हम दो अज्यूम करते हैं माइनस वन एंड फाइव एंड ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस वन स्टार फाइव इज इक्वल टू माइनस वन इंटू फाइव का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस ट्वेंटी फाइव जानते हैं कि माइनस ट्वेंटी फाइव एक रियल नंबर है तो इस तरह हम यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो ऑपरेशन स्टार है वह बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यदि हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हम उसके ऑपरेशन स्टार को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस में डिफाइन होगा जहां जेड प्लस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है अब हम जेड प्लस सेट में से दो एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे माना वो दो एलिमेंट्स है वन एंड फोर एंड ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। जब हम ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि वन स्टार फोर इज इक्वल टू मोड वन माइनस फोर एंड जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें थ्री के इक्वल मिलेगी और हम जानते हैं कि थ्री भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसका मतलब थ्री भी जेड प्लस में लाइक करेगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट में भी ऑपरेशन स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम अभी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से a में होता है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं माना दो एलिमेंट्स ए एंड बी इस तरह से हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए तब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा सबसे पहले हम यदि एडिशन के लिए चेक करें तो हम उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम जानते हैं कि हम माइनस वन में थ्री एड करें या थ्री में माइनस वन एड करें दोनों ही केस में हमें आंसर टू के इक्वल मिलेगा इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इसी प्रकार यदि हम सब्रैक्शन के लिए चेक करें यदि हम माइनस वन में से फोर को सब्ट्रैक्ट करें या फिर फोर में से माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों ही केस में हमें अलग अलग आंसर मिलेगा फर्स्ट केस में आंसर होगा माइनस फाइव एंड सेकेंड केस में आंसर होगा हमारा प्लस फाइव इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता अब हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं हम या तो टू इंटू थ्री करें या फिर थ्री इंटू टू करें तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलेगा इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड है एसोसिएटिविटी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि तीन एलिमेंट्स ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हमें मिलता है ए स्टार बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू में बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव होता है अब हम सभी ऑपरेशंस के लिए चेक करते हैं इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं यदि हमारे पास तीन नंबर्स हैं माइनस टू थ्री एंड फाइव तो यदि हम माइनस टू एंड थ्री को पहले ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम फाइव को ऐड करें या फिर पहले थ्री एंड फाइव को ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम माइनस टू को ऐड करें तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव होता है अब इसी प्रकार जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं तो हम यदि पहले टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करें एंड उनके रिजल्टेंट में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करें या फिर पहले थ्री में से फाइव को सब रिजल्टेंट को टू में से सब करें तो दोनों ही केस में हमें आंसर अलग अलग मिलता है तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं यदि हम पहले टू एंड थ्री का मल्टीप्लाई करें एंड उनके रिजल्टेंट में फाइव का मल्टीप्लाई करें या फिर पहले थ्री एंड फाइव का मल्टीप्लाई करें और उनके रिजल्टेंट में टू का मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलता है इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी माना एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो कि सेट ए का एलिमेंट है तब यदि हम एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट ई e के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में ए ही मिल जाए तो उस केस में जो ई e होता है वह बाइनरी ऑपरेशन स्टार की आइडेंटिटी कहलाती है लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जो ई e है वह भी सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है। तब एलिमेंट 0 ए दोनों ही सेट आर के एलिमेंट्स हैं। एंड हमें ए प्लस 0 करने पर भी ए मिलता है एंड 0 प्लस ए करने पर भी हमें ए मिलता है। तब ये जो 0 है वह सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है यानी कि हम किसी भी रियल नंबर में यदि जीरो ऐड करें तो रिजल्ट में हमें वही नंबर मिलता है इसलिए जीरो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इसी तरह यदि हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो यदि हम किसी भी रियल नंबर में वन का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही रियल नंबर रिजल्ट में मिलता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो वन है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर आर में आइडेंटिटी होती है अब अगली प्रॉपर्टी है इनवर्स हम अभी पढ़ चुके हैं कि ई e जो होती है वह आइडेंटिटी होती है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ये जो ई e है वह सेट ए का ही एलिमेंट होती है अब यदि हमें ए स्टार बी करने पर ई e मिले एंड बी स्टार ए करने पर भी हमें ई e ही मिले तो जो एलिमेंट बी है वह एलिमेंट ए का इनवर्स होता है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इसका मतलब यह है कि यदि कोई एक एलिमेंट है हमारे पास स्मॉल ए जो कि सेट कैपिटल ए का ही एक एलिमेंट है एंड हम उस एलिमेंट ए का एलिमेंट बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल ई मिले तो उस केस में जो बी होता है वह स्मॉल ए का इनवर्स कहलाता है एंड हम इस एलिमेंट बी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है एंड अब हमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए इनवर्स फाइंड करना है तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स -a एंड a अज्यूम करते हैं एंड ये दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं तो अब यदि हम a में -a ऐड करें या फिर -a में a ऐड करें दोनों ही केस में हमें जीरो मिलता है और हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसका मतलब जो माइनस ए है वह इस केस में इनवर्स हो जाएगा इस तरह हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए माइनस ए एलिमेंट ए का इनवर्स होता है अब यदि हम इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यदि हम नंबर ए में वन अपॉन ए का मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट वन मिलेगा एंड हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट वन है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है इसका मतलब जो वन अपॉन ए है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स होगा ऑफ एलिमेंट ए तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। और इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू एंड सेकेंड पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी अब हमें दोनों ही पार्ट के लिए ये चेक करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में डिफाइन है तो हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि कम्यूटेटिव है ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट क्यू माना दो एलिमेंट्स ए एंड बी सेट क्यू के एलिमेंट हैं तो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू अब यदि हम बी स्टार ए निकालें तो वह होगा बी ए अपॉन टू एंड इसको हम लिख सकते हैं टू तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ए स्टार बी एंड बी स्टार ए दोनों ही इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अब हम एसोसिएटिव होने के लिए चेक करते हैं हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिविटी के लिए यह कंडीशन होती है तो अब हम सेट क्यू में से तीन एलिमेंट ए बी सी अज्यूम करते हैं अब यदि हम कैलकुलेट करें, तो इसके लिए पहले हमें ए स्टार बी की वैल्यू निकालनी है एंड जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी उसका एलिमेंट सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जब हम ए स्टार बी कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा हमें ए बी अपॉन टू के इक्वल एंड ये पूरा हो जाएगा ए बी अपॉन टू स्टार सी अब हम ए बी अपॉन टू को एक एलिमेंट मानेंगे एंड दूसरा एलिमेंट है एंड इन दोनों पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा ab अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू एंड इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर अब हमें इसके एसोसिएटिव होने के लिए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है इसका मतलब पहले हमें बी एंड सी पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है एंड इसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम बी स्टार सी को लिख सकते हैं सी अपॉन टू जिससे कि पूरा हो जाएगा ए स्टार सी अपॉन टू अब यदि हम BC अपॉन टू को एक एलिमेंट माने तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A एंड जब हम इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा A इन टू बी सी अपॉन टू अपॉन टू जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ए बी सी अपॉन फोर तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां एसोसिएटिव होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार रेशनल नंबर्स के सेट में एसोसिएटिव है अब इसी तरह आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं तो अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक फोर मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं तो जब हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसी प्रकार जब हम इसके एसोसिएटिविटी के लिए चेक करेंगे तो वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव भी नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो बाइनरी ऑपरेशंस में अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि ए स्टार बी इक्वल टू एल्सियम ऑफ ए एंड बी तब हमें इस क्वेश्चन के चार पार्ट दे रखे हैं और हमें इन चारों को ही सोल्व करना है फर्स्ट पार्ट में हमें ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्युटेटिव है या नहीं सेकंड में यह चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव है या नहीं थर्ड पार्ट में हमें बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को यूज करके 20 स्टार सिक्सटीन की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक फोर मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वह एन क्रॉस एन से एन में डिफाइन होगा अब सबसे पहले हम उसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं एंड हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड वी बिलोंग टू एन अब हम इसे चेक करने के लिए ए की वैल्यू टू एंड बी की वैल्यू थ्री एज्यूम करते हैं एंड टू एंड थ्री दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लाई करते हैं अब हम सबसे पहले टू स्टार थ्री की वैल्यू निकालते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम टू स्टार थ्री को लिख सकते हैं LCM ऑफ 2, 3 एंड हम जानते हैं कि 2 एंड 3 का LCM 6 के इक्वल होता है इसलिए 2 3 की वैल्यू हमें 6 के इक्वल मिलेगी अब हम 3 2 फाइंड करते हैं एंड यह इक्वल होगा LCM ऑफ 3, 2 एंड 3 एंड 2 का LCM भी 6 के ही इक्वल होता है तो इस तरह आप देख सकते हो कि 2 3 एंड 3 2 की वैल्यू इक्वल है एंड एलिमेंट्स टू एंड थ्री दोनों ही नेचुरल नंबर्स के सेट में लाई करते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्युटेटिव होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड यहां से हमें रिजल्ट मिला है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव भी होगा अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें ट्वेंटी स्टार सिक्सटीन की वैल्यू फाइंड करनी है सिंस, इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी तो यहां से ट्वेंटी स्टार सिक्सटीन की वैल्यू हो जाएगी एलसीएम ऑफ ट्वेंटी एंड सिक्सटीन एंड हम जानते हैं कि 20 एंड 16 का एलसीएम होता है 80। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हमें 20 स्टार 16 की वैल्यू मिली है 80। इसी तरह आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड यहां से हमें आंसर मिला है कि इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए वन आइडेंटिटी होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका रीजन यह है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर का यदि वन के साथ एलसीएम लें तो हमें वह नेचुरल नंबर ही मिलता है इसलिए इस क्वेश्चन में वन इस गिवन बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी तो अब इस टॉपिक की समरी यह है कि हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एंड बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन होता है एंड हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा तो अब आप सभी को ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं